गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं। गाजियाबाद में हिंडन नदी उफान पर आ गई है। हिंडन से सटे करीब एक दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। करेडा गांव में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। पिछले 3 दिन से यहां बिजली तक नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 40 से 50 साल में बाढ़ की इतनी बड़ी आफत कभी नहीं आई थी। फिलहाल यहां एनडीआरएफ की टीम राहत अभियान में जुटी हुई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, गाजियाबाद का करेडा गांव, और यहां पर जो हाल है, पानी भरने की वजह से सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पिछले 40 से 50 सालों के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हिंडन नदी उफान पर है, जिसके चलते करीब दर्जन भर गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। 5 से 7 फीट तक का रिहायशी कॉलोनी के अंदर पानी भर चुका है। अगर आप इस करेड़ा गांव में ही मुझे देखेंगे तो आपको घुटने तक का शुरुआत में ही जो पानी है वो यहां पर नज़र आने लगेगा। तो करीब 5-5, 6-6 फीट पानी रिहायशी कॉलोनी के अंदर भर चुका है, जिसके चलते प्रशासन ने अब लोगों को गांव से निकालना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की कुछ टीमें भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। आप देखिए गांव की शुरुआत में ही 3-3 से 4-4 फीट पानी। भैया कितना गांव के अंदर पानी हो रहा है? पानी तो ये 5-6 फुट तक हो गया है पीछे सिटी फॉरेस्ट की तरफ। यहाँ अपनी व्यवस्था खुद बना रहा है आदमी, अपना आप ही अपना साधन कर रहा, निकल रहा है, जा रहा है इधर उधर। बिजली आ रही है? बिजली 3-4 दिन के लिए जो गोल है कटी हुई है, इस समय बिल्कुल डाउन है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से होएगा? कैसे आप अपने घरों में रह रहे हैं? क्या निकाला गया आप लोगों को? कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है सर? बस थोड़ा सा जी अपने आप जी सेफ्टी तो जी अपने आप जी सर करनी ही पड़ेगी। माना अपने जान है तो सर जहान है, लेकिन सर ये है कि मैंने यहाँ जो मैं देख रहा हूँ तो कुछ व्यवस्था सरकार द्वारा हो ही नहीं है लोगों की। हालात आप देखिए कितने इस गांव के अंदर करेड़ा में ख़राब हो चुके हैं। बाबा इससे पहले कभी इतनी बाढ़ देखी आपने इस इलाके में? हमारे गाँव 50 साल से ऊपर ही आई हुए, नीचे ना आई। 78 में आई थी, मैं यहाँ पर बाढ़ गए रहे हैं, जैसे दिल्ली में 78 में हुआ था वही अभी वही कंडीशन यहाँ पर भी है। जो हालात राजधानी दिल्ली के बताए जाते हैं 1978 में हुए थे, तब भी हिंडन में ही कुछ इस तरीके का पानी देखा गया था, लेकिन इतने सालों बाद एक बार फिर से जो अचानक से हिंडन में पानी का लेवल बहाव कुछ इतना ज़्यादा हुआ है कि आप देखिए पूरे करेड़ा इलाके के जो गाँव हैं, सभी घर हैं, वो 4-4, 5-5 फीट पानी की आगोश में समा चुके हैं। फिलहाल थोड़ी बहुत मदद जरूर प्रशासन की तरफ से मिली है, एनडीआरएफ की टीम को यहां पर लगाया गया है, लेकिन जो लोग हैं वही एक दूसरे की मदद करते हुए किसी तरीके से अपने दिन काट रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी का लेवल वापस डाउन आएगा और ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़ गाज़ियाबाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।